विशालकाय, भूखा और नजरों से ओझल एक अदृश्य शिकारी जो शायद पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। या तो ये आपके टुकड़े टुकड़े कर देगा या आपको अंदर खींच लेगा। बुरे सपनों का राक्षस ऐसी दुनिया से आ रहा है जिसे नासा ने मृत करार दिया था। सोचिए, एक प्राणी अंतरिक्ष का सफर करके सीरी से आ चुका है, वो इस धरती पर कैसी तबाही मचा सकता है। और चमत्कारी धातु से बना नासा का नया टेलीस्कोप जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं बना है। जांचकर्ताओं को शक है कि इस धातु का स्रोत एक अरबपति है जिसके पास ऐसा राज है जो दुनिया बदल सकता है। बॉब बिगलियोनिया ने उनके नेवाड़ा बंकर में क्या है ये बताने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात से नहीं झुटलाया कि उनके पास एलियन स्पेसक्राफ्ट के टूटे अवशेष हैं। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है नासा के अनसुलझे रहस्य। मई 2016, नासा के वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल के परे एक विशालकाय रहस्यमय चीज नजर आई। अंतरिक्ष के खतरों से पृथ्वी की रक्षा करना ये भी नासा की जिम्मेदारियों का हिस्सा है, लेकिन अगर ये चीज वही है जिसका वैज्ञानिकों को डर है तो पृथ्वी का बचना नामुमकिन है। ये वाकई हमारी दुनिया का अंत हो सकता है। नासा ने अपने बड़े बड़े उपकरण इसकी जांच में लगा दिए, जिसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप और शांड्रा एक्सरे ऑब्जर्वेशन भी है। ये चीज इतनी काली है कि इसे देखना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हमें जो रीडिंग वापस मिली है वो कई दशकों की जांच को उजागर करती है। एस्ट्रोनॉमर्स को 10 साल से भी पहले कुछ रहस्यमय रेडियो सिग्नल्स मिले थे। अंतरिक्ष से रेडियो सिग्नल्स मिलना कोई नई बात नहीं है, हमें इसकी आदत है। ये संकेत कैसे होंगे हम जानते हैं, लेकिन ये सिग्नल्स पहले मिले हुए किसी भी सिग्नल से अलग थे। हमें मिले हुए संकेत किसी ज्ञात चीज से मेल नहीं खाते, लेकिन लहरों की तीव्रता देखकर लगता है ये शायद दूर की आकाशगंगा से हो सकते हैं। दूर की गैलेक्सीज को अक्सर उनसे निकलने वाली शक्तिशाली रेडियो वेव्स को पकड़कर ही पहचाना जा सकता है, लेकिन ये सिग्नल्स किसी दूसरी गैलेक्सी से आए सिग्नल से मेल नहीं खाता। इस चीज ने पिछले कई दशकों से हमारे वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है। ज्यादातर सोलर स्रोत जो इतने शक्तिशाली होते हैं कोई सुराग छोड़ते हैं जिनके जरिए उन्हें पहचानना आसान होता है, लेकिन इस मामले में ऐसे कोई सुराग नहीं मिले जिससे ये पता चल सके कि आखिर ये क्या चीज है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, हमें पता लगाना होगा आखिर यहाँ हो क्या रहा है, ये चीज आखिर है क्या। हबल और शांड्रा ने हमें पहला धक्का दिया कि ये चीज हमारी गिनती से कहीं ज्यादा करीब है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया ये चीज हमसे सिर्फ 7200 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब ये हमारी गैलेक्सी में है। लेकिन गहरी जांच करने से इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात सामने आई। ये चीज शक्तिशाली रेडियो तरंगे फेंक रही है, लेकिन शांड्रा ने जांच करने से पहले हमें कोई एक्सरे सिग्नल्स नहीं मिले, लेकिन जैसे ही शांड्रा इस चीज की ओर मुड़ता है बहुत कम मात्रा में एक्सरेज मिलते हैं। ये एक्सरेज एक खतरनाक निष्कर्ष की ओर इशारा कर रहे हैं। ये ना कोई आकाशगंगा है, ना कोई तारा है और ना ही कोई ग्रह है, तो अब बचा क्या? इसका सिर्फ एक ही जवाब है। ये चीज इतनी काली है कि इसे देख पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हमें मिली रीडिंग्स एक डरावने संभावना की ओर इशारा करती है। ये एक ब्लैक होल है, लेकिन ये पहले देखे हुए ब्लैक होल्स की तरह नहीं है। ये एक तारों का विनाशक है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है जिसे हम देख नहीं सकते, और ये ग्रहों का विनाश करने वाला शायद आगे बढ़ रहा है और सीधे हमारी ओर आ रहा है। बहुत शक्तिशाली और बहुत डरावने ब्लैक होल्स मैटर के विशाल स्वरूप होते हैं जो स्पेस टाइम का रुख बदल देते हैं। आमतौर पर इनका पता लगाना काफी आसान होता है। इनका गुरुत्वाकर्षण बल बेहद शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली कि इनसे प्रकाश भी नहीं बच सकता। ऐसे ब्लैक होल में गिरने वाली चीज हमेशा के लिए खो जाती है। हमें ब्लैक होल्स का पता इसलिए चला है क्योंकि ब्लैक होल्स के करीब आने वाली सारी चीजों के टुकड़े टुकड़े होते हैं और वो ब्लैक होल के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं, इसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। और इनसे शक्तिशाली एक्सरे तरंगे निकलती हैं जिससे पता चलता है कि बूम, यहाँ एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते। और हैरानी की बात यह है कि ये ब्लैक होल जो लगभग अदृश्य है हमारी गैलेक्सी में मौजूद है
और नजदीक की सूर्य मालाओं को निकलते हुए आ रहा है। हम इतना जानते हैं कि ये एक ब्लैक होल है जो दूसरे तारों को खाकर एक्सरेस छोड़ रहा है, लेकिन ये उसके साथी तारों को भी खा रहा है, उससे धीरे धीरे खाकर बिल्कुल कमजोर संकेत दे रहा है। इससे पता चलता है कि वहाँ और भी बहुत कुछ है जिससे हम अनजान है। इस ब्लैक होल को खोजना जो लगभग अदृश्य है, ये वाकई किस्मत का खेल था। फिक्र की बात यह है कि हमने पहले सोचा था उससे कहीं ज्यादा ब्लैक होल्स हो सकते हैं जो पृथ्वी के आसपास मौजूद हैं। उससे बुरी बात यह है कि ये ब्लैक होल्स हैरत अंगेज रफ्तार से सफर कर सकते हैं। ये अंतरिक्ष में दिमाग को झिझोड़ने वाले घंटे की 5,00,000 मील की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। ये मुमकिन है कि अंतरिक्ष में कोई ब्लैक होल इस वक्त हमारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण का हम पर असर होने के बाद ही पता चलेगा कि ब्लैक होल आ चुका है। अगर कभी किसी ब्लैक होल ने हम पर हमला कर दिया तो वो किसी पूर्व सूचना के बिना होगा। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक जब तक ब्लैक होल हमसे महज 800 दिनों की दूरी पर नहीं आ जाता, हमें इसके होने का कोई सुराग नहीं मिलेगा। हमें इसके आने की चेतावनी शायद ऑर्ट क्लाउड से मिलेगी। ऑर्ट क्लाउड अंतरिक्ष का वो हिस्सा है जो हमारे सौर मंडल के बाहर फैला हुआ है। ये अंतरिक्ष में फैली सुरंगों की तरह है जिसमें अरबों बर्फीले धूमकेतु हैं और इनमें कई सारे कई ग्रह को तबाह करने लायक बड़े हैं। ऑर्ट क्लाउड में मौजूद जिन चीजों को ब्लैक होल निकल नहीं लेता वो विपरीत दिशाओं में फेंक दी जाएंगी। हो सकता है कुछ धूमकेतु हमारी सूर्यमाला और धरती की ओर भी आ सकती हैं। अगर ब्लैक होल हमारी ओर आता है तो पूरे 2 सालों के लिए पृथ्वी और आसपास के ग्रहों पर बड़े बड़े धूमकेतुओं की वर्षा होगी। आप सोचिए, हमारी सूर्यमाला में अचानक धूमकेतुओं की वर्षा हो रही है जो पृथ्वी से टकरा रहे हैं और बेशुमार तबाही मचा रहे हैं। ऐसा हुआ तो धरती से मानव जाति का विनाश हो सकता है। ओर्ट क्लाउड और काइपो बेल्ट के धूमकेतुओं से आगे बढ़ने के बाद ब्लैक होल बाहरी सौर मंडल के गैस जायंट्स की ओर बढ़ेगा और पृथ्वी से 3 दिन की दूरी पर यह जुपिटर की धज्जियां उड़ाएगा और हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी करेगा। अगर ब्लैक होल जुपिटर के करीब आता है या उससे टकराता है तो वो जुपिटर का मैटर खींचने लगेगा और शक्तिशाली एक्सरेज और शक्तिशाली गामा रेज छोड़ेगा और हर तरह का रेडिएशन होगा। और ये रेज कई बार जेट्स की शक्ल में निकलते हैं, ऊर्जा से भरे कॉलम की तरह दिखने वाले जेट्स। ये स्टार वॉर्स की लाइट सेबर की तरह दिखते हैं जो ब्लैक होल के अंदर से निकल रही है। बड़े बड़े लाइट सेबर बीम्स या एक्रीशन जेट्स ब्लैक होल से निकलकर अंतरिक्ष में लाखों मील दूर जाते हैं। अगर ये हमसे टकराएंगे तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। अगर हम एक्रीशन जेट से बच भी गए तो जुपिटर को खाने के 10 दिन बाद ब्लैक होल पृथ्वी तक पहुंच सकता है। अगर ब्लैक होल पृथ्वी तक पहुंच भी गया तो चारों तरफ तबाही का मंजर होगा। सबसे पहले हमें ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल का असर महसूस होगा, जिस तरह से चांद पृथ्वी पर असर करता है, लेकिन ये उससे कई गुना शक्तिशाली होगा। पृथ्वी पर बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं, टाइडल लहरें या सुनामी जो पूरी पृथ्वी को डुबा देगी। जैसे जैसे ब्लैक होल करीब आएगा इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती जाएगी और पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगी, जिससे पृथ्वी की सतह खिंचकर फट जाएगी। पृथ्वी पर भूकंपों और सुनामियों की ऐसी मार पड़ेगी जिसे आज तक न देखी गई हो। और आखिरकार ब्लैक होल इतना करीब आ जाएगा कि हमारे ग्रह को निगल जाएगा। फिर हमारा वायुमंडल एक झटके में नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो हमारे पूरे ग्रह को तबाह कर सकता है, वो पृथ्वी को निगल जाएगा और फिर पृथ्वी का नामोनिशान मिट जाएगा। कोई इंसान अगर इन सब से बच भी जाता है तो उसे जबरदस्त रफ्तार से ब्लैक होल के अंदर खींच लिया जाएगा। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब जाते हैं या कोई ब्लैक होल आपके करीब आता है तो आपके साथ 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये आपके टुकड़े कर सकता है या ये आपको अंदर खींच सकता है। जब आप ब्लैक होल के करीब जाएंगे उसका गुरुत्वाकर्षण बल कई गुना बढ़ जाएगा, लेकिन इसका असर आप पर होगा, जिसकी वजह से आपका सर पैरों की तुलना में ज्यादा गति से अंदर खींच लिया जाएगा। अंदर गिरते वक्त आपका शरीर स्पैगेटी की तरह खींचा जाएगा। अगर कोई इंसान चमत्कारिक रूप से बच भी जाता है तो वो खुद को ब्रह्मांड की सबसे अजीब जगह में पाएगा, ऐसी जगह जो शायद हमारी कल्पनाओं से परे हो सकती है। गणित विशेषज्ञ इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां हमारा सारा लॉजिक किसी काम का नहीं रहता, जहां अस्तित्व को ही नया परिणाम मिलता है। ब्लैक होल्स हमारी कल्पनाओं से परे होते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि इनकी एक खासियत है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं।
अगर आप इनमें फंस गए तो गुड बाय, आप वहां से कभी निकल नहीं सकते। और फिर इस ब्लैक होल के केंद्र में आपका सामना सिंगुलैरिटी से होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि वहां हमारे फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते। वहां वाकई अंतरिक्ष और वक्त की भूमिकाएं बदल जाती हैं। जिसे हम वक्त कहते हैं, उस क्षितिज को पार करने के बाद वो अंतरिक्ष बन जाएगा और अंतरिक्ष वक्त बन जाएगा। आप अमर बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, लेकिन उसी डायमेंशन में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर ये ब्लैक होल हमारी सूर्यमाला में प्रवेश करता है, फिर भी पृथ्वी और मानव जाति के बचने की उम्मीद है। हमारे सूर्य की तबाही शायद हमारे लिए बचने का रास्ता खोल दे। हमारा सूर्य हार नहीं मानेगा, ये एक बड़ा तारा है और इसका मास भी बहुत ज्यादा है। सूर्य और ब्लैक होल की लड़ाई का सिर्फ एक नतीजा निकल सकता है। आखिर में ब्लैक होल की जीत होगी और वो सूर्य को निकल जाएगा। लेकिन सूरज की तबाही से मची हड़बड़ी में पृथ्वी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से आजाद हो सकती है और सौर मंडल से निकलकर अकेले अंतरिक्ष में अपना सफर शुरू कर सकती है। इस तरह हमारी दुनिया के मौत की धीमी प्रक्रिया शुरू होगी। सूरज के बिना हमारी पृथ्वी जम जाएगी और बस अंतरिक्ष में घूमती रहेगी। लेकिन मानव जाति के बचने की अभी भी उम्मीद है, क्योंकि पृथ्वी का केंद्र फिर भी कई अरबों सालों तक पिघली हुई स्थिति में गर्म रहेगा। 4 अरब साल पुराना होने के बावजूद हमारे ग्रह के पिघले कोर का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य के जितना ही गर्म है। इसे ठंडा होकर जमने में और 100 अरब साल लग जाएंगे। तब तक हमारे पास सतह खोदने की क्षमता होगी। हम नीचे जाएंगे और जमीन से नीचे बड़े शहर और कॉलोनीज बसाएंगे। हमारा वायुमंडल जम जाएगा और बर्फ बनकर सतह पर गिर जाएगा। उससे हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन निकाल पाएंगे। साथ में बर्फ निकालकर हम नीचे ले जाएंगे। इस तरह हमारे पास सांस लेने के लिए हवा होगी। भविष्य में हम साथ के नीचे रहने वाले प्रजाति बन सकते हैं। लेकिन फिर भी जिंदा लोगों की संख्या बड़ी मात्रा में कम होगी। इस तरह के शहरों में 7 से 8 अरब लोगों का रहना नामुमकिन है। नासा के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हाल ही में मिला ये ब्लैक होल हमारे सौर मंडल को नुकसान पहुंचाए बिना ही दूर से चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में जिंदा रहने के लिए हमें सतह के नीचे जाना होगा। तब हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष के अंधकार में अकेले भटक रही होगी। शायद एक दिन वो दूसरे सौर मंडल में प्रवेश करेगी, उसके ऑर्बिट में प्रवेश करेगी और दूसरे तारे का ग्रह बनकर रहेगी। मार्च 2015, नासा का डॉन स्पेसक्राफ्ट 7.5 सालों का सफर पूरा करके एस्ट्रॉइड बेल्ट तक पहुंचा। ये मंगल और बुध ग्रह के बीच का पथरीला इलाका है। नासा जीवन की तलाश में नहीं है। उनके वैज्ञानिकों को एलियन प्रजाति मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, जब तक ये डॉन प्रोब एक कथित मृत ग्रह के क्रायो वोल्केनो तक नहीं पहुंचता, जिसका नाम है सीरिस। सीरिस का मास इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के लगभग 1/3 है। इसका आकार लगभग टेक्सस जितना है। हमें एक छोटा ग्रह मिला है जो मंगल के भी पार है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। किसे पता वहाँ किस तरह के राज छिपे हुए हैं? हम पृथ्वीवासी सूरज की गर्मी से जितनी दूरी पर है, सीरिस की दूरी उससे 2 गुनी है, जहाँ तापमान नियमित रूप से 0 से करीब 66 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में हमारे खून में मौजूद पानी जम जाएगा और हमारा शरीर अंदर से फट जाएगा। इतना कम तापमान होने का मतलब है कि सीरिस एक मृत ग्रह है। लेकिन जब डॉन इसकी ऑर्बिट में पहुंचा, तब इसके द्वारा भेजी गई इमेजेस देखकर वैज्ञानिक दंग रह गए। हमने देखा यहाँ की ज्यादातर सतह बिल्कुल सपाट है, और तभी अचानक पैन, वहाँ एक पर्वत दिखा। ये कहाँ से आ गया? इसके आसपास कुछ नहीं है। इस अकेले शिखर के अलावा सीरिस पर कहीं भी एक भी पहाड़ मौजूद नहीं है। हमने इसे नाम दिया अहुना मॉन्स, और ये सोलर सिस्टम का सबसे अकेला पर्वत है। हमारे मुताबिक सीरिस को जियोलॉजिकली इनएक्टिव होना चाहिए। तो अब सवाल ये है, क्या ये पर्वत कुदरती है या ये बिल्कुल अलग चीज है? वैज्ञानिकों ने अहुना मॉन्स के शेप की तुलना पृथ्वी के पर्वतों से की और एक चौंका देने वाला निष्कर्ष निकाला। सीरिस पर मिला ये पहाड़ हमें पृथ्वी पर फैले हुए ज्वालामुखी की याद दिलाता है,
इसकी ढलान बहुत तेज है, वाशिंगटन के माउंट रेनर की तरह। पृथ्वी के ज्वालामुखी पिघला हुआ मैग्मा फेंकते हैं जिसका तापमान 1000 डिग्री होता है। हम पहाड़ को फूटते देखते हैं, बड़ी मात्रा में गैस वायुमंडल में पहुंचती है। सीरीज एक ठंडा ग्रह है और इसके विपरीत ज्वालामुखी बहुत गर्म होते हैं, तो आखिर यहाँ चल क्या रहा है? डॉन का हाई रेजोल्यूशन कैमरा बारीकी से अहुना मॉन्स की फोटो ले रहा है और ये फोटोज इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि यह अकेला पर्वत ज्वालामुखी की तरह काम कर रहा है। डॉन ने देखा कि इसकी सतह से कुछ चमकीली चीज निकल रही है और ढलान से नीचे फिसल रही है। इस पर्वत पर दिखने वाली ये चमकीली चीज एक तरह के नमक से बनी है। नमक अलग अलग तापमान पर चीजों को पिघलने देता है और इससे हमें पता चलता है कि शायद यहाँ बर्फ हो सकती है। हैरत अंगेज रूप से सीरीज के अंदर बड़ी मात्रा में मौजूद नमक बर्फ को पिघला रहा है, जिससे नमकीन कीचड़ बनता है जो अहुना मॉन से नीचे बह रहा है। ज्वालामुखी की तरह अहुना मॉन से पानी और नमक दोनों निकल रहे हैं। इस ज्वालामुखी के अलावा असलियत में नमकीन पानी है। गर्म ज्वालामुखी के विपरीत ये ठंडा ज्वालामुखी है, ये क्रायो वोल्केनो है। सीरीज को मृत ग्रह होना चाहिए था, लेकिन इस क्रायो वोल्केनो ज्वालामुखी के मिलने से अब सब कुछ बदल चुका है। सीरीज में सतह के नीचे पानी के जलाशय होने चाहिए, शायद महासागर भी हो सकता है। हमें सीरीज में गाढ़ा पानी मिला है जिसमें बर्फ, नमक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स घुले हुए हैं और इन्हें ही हम जीवन की शुरुआत के बुनियादी पत्थर मानते हैं। वहाँ की आबो हवा जो इतनी नमकीन है, इतनी ठंडी है, क्या वाकई वहाँ जीवन पनप सकता है? सच कहूँ तो ऐसा हो सकता है। अगर हम ईटी की तलाश में हैं, तो शायद हमें सीरीज से ही शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के प्राणी कैसे दिखते हैं? हमने अपने समुद्र से सीखा है कि कोई जीव किसी भी तरह का शेप ले सकता है, एक एलियन जैसा भी। पृथ्वी के महासागरों की गहराई में हालात सिरी से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ये जगह इंसानों के लिए जानलेवा है, ठंडे, अंधेरी और दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जीवों का बसेरा है, जिनमें से आज भी कई विज्ञान के लिए अज्ञात है। गहरे अंधेरे समंदर में अजीबोगरीब जानवरों की एक आकर्षक दुनिया है। पानी के नीचे की इस दुनिया में रहने वाले जीव बेहद बड़े हो सकते हैं। वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और उनका आकार बढ़ता जाता है। उस गहरे ठंडे वातावरण में कुछ जानवरों के बढ़ने पर वाकई कोई सीमा नहीं है। यहाँ जायंट क्रैब्स मिलते हैं जो नॉर्मली छोटे होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हो सकते हैं। हाथ फैलाकर भी नहीं बता सकता कि केकड़े कितने बड़े हो सकते हैं, इनके पैर 12 फीट तक फैल सकते हैं। गहरी ठंड से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिनसे इन जीवों की उम्र बढ़ती है। यहाँ के कुछ जानवर 250 साल से लेकर 500 साल तक हो सकते हैं, यकीन नहीं होता। इस अंधेरे से भरी दुनिया के कई जानवर पारदर्शी और चमकीले होते हैं। वो अपनी रोशनी खुद पैदा करने के लिए विकसित हुए हैं। बायोल्यूमिनेंसिस के जरिए जानवरों ने खुद अपनी रोशनी तैयार करना शुरू किया है। जिनके शरीर जेलेटिन जैसे हैं, जहां आप उनके टिश्यू से लेकर उनके दिमाग और आंखों को भी देख सकते हैं। डरावने एलियन जीव जो चमकीले, पारदर्शी और विशालकाय होते हैं। बस ऐसा एक जानवर रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। बौने ग्रह सीरीज का अभ्यास करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां के बर्फीले समुद्रों में हमारे गहरे महासागरों की तरह जीवन पनप सकता है। विशालकाय जीव जो बहुत बड़े और भूखे हों। ऐसे ही एक जीव को साइंस फिक्शन राइटर्स पहले ही जन्म दे चुके हैं। एचपी लवक्राफ्ट ने दुनिया तबाह करने वाले राक्षस का वर्णन किया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था कथुलू। कथुलू, ये ईश्वर जैसा शक्तिशाली जानवर, ये अजीबोगरीब जानवर जिसके विशाल काय स्क्विड जैसे हाथ हैं। और हम इस संभावना को नकार नहीं सकते कि सीरीज का कोई जीव कभी पृथ्वी पर आ जाए। सच तो ये है कि वैज्ञानिकों को पहले ही ऐसे जीवों के कुछ सुराग मिले हैं। सीरीज ग्रह की सतह पूरी तरह से गड्ढों से भरी है। ये पूरी तरह से मुमकिन है कि अतीत में कभी किसी घटना के कारण मटेरियल सीरीज से निकला हो और वो मटेरियल पृथ्वी पर पहुंचा हो। अब सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि क्या वो जीव सीरीज से निकलने का झटका सह पाया होगा, और दूसरा सवाल कि क्या अंतरिक्ष के लंबे ठंडे सफर में जीव जिंदा बच पाया होगा।
अंतरिक्ष से जीवन स्थानांतरित होने का सबसे बेहतर तरीका है। इसके मूल रूप में ये कोई बीज या फिर फर्टिलाइज्ड अंडा हो सकता है। ये जीवन की शुरुआत है, ये सफर के लिए तैयार है। अगर सीरीज से कोई चीज पृथ्वी पर आई हो और उसमें जीव मौजूद हो तो पृथ्वी पर एक जगह ऐसी है जो सीरीज के जीवों को घर जैसी लग सकती है, एंटार्क्टिका, और खासकर यहाँ की सतह के नीचे मौजूद पोलर तालाब जैसे लेक वीडा। ये रहस्यमय तालाब बर्फ के नीचे 65 फुट की गहराई पर है। इसका पानी समंदर से ज्यादा खारा है और -22 डिग्री के तापमान में भी ये द्रव्य अवस्था में है। और इस पानी में भी जीवन मौजूद है। जो जीव शायद सीरीज पर पनप रहे होंगे वो एंटार्क्टिका में आसानी से जी सकते हैं क्योंकि यहाँ के हालात बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है कि हाल ही में मैकमर्डो स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाओं की खबरें मिली हैं। मैकमर्डो में होने वाली घटनाओं को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली हैं। लोग वहां से निकल जाना चाहते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताना चाहता कि क्यों। नवंबर 2015, नासा एक नई आधुनिक स्पेस ऑब्जर्वेटरी बना रही है जो हबल की जगह लेगी। ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप। पर जब उन्होंने इसके शानदार चेसिस का उद्घाटन किया जो इस टेलीस्कोप के पुर्जों को जोड़े रखेगी, तो दुनिया ये जानकर दंग रह गई कि ये ऐसे मटेरियल से बनी है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। नासा के वैज्ञानिकों ने ऐसा मटेरियल तैयार किया है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले कभी नहीं देखी गई। वो इसे कहते हैं अनोप्टेनियम। मेरा सवाल है कि नासा ने आखिर ये मटेरियल कैसे तैयार किया, ये यूनोप्टेनियम जिसका इस्तेमाल वो वेब टेलीस्कोप में कर रहे हैं। एक इंसान जो इस सवाल का जवाब दे सकता है वो है अरबपति और यूएफओ इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट बिगलो। रॉबर्ट बिगलो एक बहुत ही रहस्यमय इंसान है। उन्होंने आज तक स्ट्रीम साइंस में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बॉब बिगलियोनी ने उनके नेवाडा बंकर में क्या है ये बताने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात से नहीं झुटलाया कि उनके पास एलियन स्पेसक्राफ्ट के टूटे अवशेष हैं। बॉब बिगलो लास वेगास में पले बड़े हैं। बचपन में उन्होंने हैरत भरी नजरों से नेवाडा के परीक्षण मैदानों पर हुए परमाणु परीक्षणों से उभरे मशरूम बादलों को आसमान में उड़ते देखा था और उसी पल उन पर अंतरिक्ष का जुनून सवार हो गया और उन्होंने ठान ली कि अपना जुनून पूरा करने के लिए वो बेशुमार दौलत कमाएंगे। बिगलो ने प्रॉपर्टी के कारोबार से अरबों डॉलर कमाए और 1999 में उन्होंने अपने पैसों से बिगलो एरोस्पेस का निर्माण किया। कंपनी के हेडक्वार्टर्स नेवाडा रेगिस्तान की एक सुरक्षित और गुप्त बिल्डिंग में है। नासा ने रॉबर्ट बिगलो को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और वो स्पेस स्टेशन के लिए मॉड्यूल्स डिजाइन करते हैं। बिगलो नासा के लिए फैलने वाले लिविंग क्वार्टर्स डिजाइन करते हैं। पहला क्वार्टर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2016 में जोड़ा गया था। ये एक रहस्यमय मटेरियल से बनाया जाता है जिसे कहते हैं वेक्ट्रम, जो केवलार से दोगुना शक्तिशाली और उससे कहीं ज्यादा लचीला है। ऐसी कई अफवाहें हैं कि बिगलो के स्पेस रिसर्च वाली फैसिलिटीज में काफी तरह के असामान्य और अलग अलॉयज रखे हैं जो यहाँ पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन बिगलो को ये दूसरी दुनिया के धातु कहां मिले होंगे? दिसंबर 2017 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के बजट की जांच करने वाले एक जर्नलिस्ट के हाथ अचानक एक सुराग लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल छपा था और वो था एटिप प्रोग्राम। एटिप का फुल फॉर्म है एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ये एक गुप्त प्रोग्राम था जो यूएफओस पर नजर रखता था। यूएफओ का अभ्यास करने के लिए पेंटागन ने $22 मिलियन की राशि दी थी। धमाकेदार खबर थी। पेंटागन ने इस प्रोग्राम के होने की कभी पुष्टि नहीं की। आखिर वो लोग ढूंढना क्या चाहते थे? अब फोकस इस बात पर था कि वो $22 मिलियन कहां खर्च किए गए। एटिप नेवाडा के सेनेटर हैरी रीड का पेट प्रोजेक्ट था। हैरी रीड के पास पैसे देने की क्षमता थी। यूएफओस भविष्य की टेक्नोलॉजीज और परग्रहवासियों के संबंधित रिसर्च के लिए, और इनमें से ज्यादातर पैसे बॉब बिगलो को मिले। बिगलो एक नौसिखिए यूएफओलॉजिस्ट नहीं है। उन्हें सरकार से पैसे मिलते हैं और उन्होंने नासा के साथ उनके कुछ सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया है।
मई 2017 में उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया। बॉब बिगलो ने एक इंटरव्यू दिया और कुछ चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि एलियंस हमारी पृथ्वी पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा वो हमारी नाक के नीचे रह रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर थी। ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और नासा के लिए, वो कहता है कि एलियंस वाकई मौजूद हैं और उनका अभ्यास करना चाहिए। चारों तरफ अफवाहें फैलने लगी कि गवर्नमेंट फंडेड एटी प्रोग्राम ऐसे स्पेसशिप के अवशेषों पर काम कर रहा है जो इस प्लेनेट पर नहीं बना है। अमरीकी सरकार को कुछ मिला है मगर वो हमें नहीं बता रहे। अगर पेंटागन को वाकई अनजान स्पेसशिप के टुकड़े मिले हैं तो ये मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा राज होगा। अरबपति एरोस्पेस टाइकून बॉब बिगलो का कहना है कि उन्हें लगता है एलियंस धरती पर आ गए हैं और अब वो उसी रहस्यमय मटेरियल से स्पेस मॉड्यूल्स बना रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज अजीब है। क्या ये मटेरियल बाहरी दुनिया का हो सकता है? लास वेगास के बाहर बॉब बिगलो का अपना अलग एरिया 51 है और लोगों का कहना है कि वहीं पर ये अजीबोगरीब मटेरियल रखा हुआ है। लेकिन बिगलो कुछ बताने को तैयार नहीं। प्राइवेट कंपनी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं आती। वो जब तक चाहें अपने इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स दुनिया से छुपा कर रख सकते हैं और ऐसे राज छुपाने का ये शायद एक बेहद कारगर तरीका हो सकता है। सरकारी एजेंसीज और अरबपति स्पेस उद्योगपति के बीच जो कुछ चल रहा है वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या सरकार यूएफओ टेक्नोलॉजी को पाने के लिए पैसे खर्च कर रही है? इससे एक बात तो जाहिर है, मतलब ये वाकई मुमकिन है। अगर इन कहानियों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मानवता ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाली है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 11 अक्टूबर 2018 बायकोनूर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान में सोयूज MS-10 ईंधन भरकर लॉन्च पैड पर तैयार है। ये इस रॉकेट सिस्टम के लिए एक रूटीन लॉन्च है जो 50 साल पुरानी है, लेकिन अब सब बदलने वाला है। सुरक्षित अंतरिक्ष प्रवास की कोई गारंटी नहीं, इसमें जान का जोखिम है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। MS-10 में इस वक्त एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सवार है। निक हेग अपने पहले स्पेस ट्रिप पर निकला था जिसके लिए उसने सालों अभ्यास किया था और वो इसके लिए तैयार था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये मिशन हेग को अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों से 6 महीनों के लिए दूर ले जाने वाला है। हेग के साथ मौजूद है कॉस्मोनॉट और मिशन कमांडर एलेक्सी ओवचिनिन। शादीशुदा और एक बच्चे के पिता ओवचिनिन का ये दूसरा अंतरिक्ष सफर था। सोयूज FG रॉकेट उन्हें अंतरिक्ष में ले जा रहा है। स्पेस शटल प्रोग्राम रद्द करने के बाद अब अमेरिकन्स अपने अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए पूरी तरह से रशिया पर निर्भर हैं। रोस्कॉस्मोस की शान जो रशियन स्पेस एजेंसी है, ये प्राचीन डिजाइन Saturn V रॉकेट से भी पुराना है जो अमेरिकन्स को चांद पर ले गया था। सोयूज स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल 1966 से हो रहा है और ये पहले और आज भी सोवियत यूनियन और रशिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए प्रमुख ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहा है। ये सिस्टम स्पेस रेस एरा का प्रतीक हो सकता है। 1971 से सोयूज बिना किसी हादसे के 100 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। ये रशियन बेड़े का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है और हम कह सकते हैं कि ये आसानी से पूरी दुनिया का बेस्ट रॉकेट है। लॉन्च के 2 घंटे पहले हेग और ओवचिनिन कैप्सूल में बैठ गए। दोनों पैड में बैठे, रॉकेट में ईंधन भरा है। वो अपने रेडियो में फाइनल सिस्टम चेक सुन रहे हैं। वो उड़ने के लिए तैयार हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले 9 मिनट के सफर का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया। बेहद खूबसूरत दिन है, आसमान साफ है, वेदर परफेक्ट है। हर लॉन्च के वक्त मैं बहुत नर्वस होता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इंजन धीरे से शुरू हुए, धीरे धीरे पावर बढ़ती गई और फिर यह रॉकेट पैड छोड़कर ऊपर उड़ा। सोयूज MS-10 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए निकल चुका है। जब रॉकेट उड़ता है और आप ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो आप बस उसे देखते रह जाते हैं।
फ्लाइट के एक मिनट बाद सोयूज लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है और पहले ही 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया है और कैप्सूल के अंदर हेग अपने पहले सफर का लुफ्त उठा रहे हैं। लॉन्च के बाद पहले दो मिनट तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। शिप के चारों बूस्टर्स का लिक्विड फ्यूल खत्म हो गया है और जल्द ही दूसरे पड़ाव में इन्हें शिप से अलग कर दिया जाएगा। बोट्स के धमाके आपको शिप में महसूस होते हैं और तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। आप शिप को जोरदार झटका लगते देख सकते हैं। आपने शिप को हिलते हुए देखा क्रू अंदर कैसे हिल गया। आप उनके हाथ आगे पीछे होते देख सकते हैं। लाइट ऑन हुई और हेग ने ऑफचिन की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या ये नॉर्मल है, और ऑफचिन ने इशारा किया बिल्कुल नहीं। शिप में हेग और ऑवचिनिन को समझ में नहीं आ रहा था कि इन झटकों की वजह क्या है, लेकिन जमीन पर मौजूद कैमरों से ये बात साफ थी, वजह जो भी थी गंभीर थी। और तभी रॉकेट से मलबे का बादल निकला और वो नजारा खौफनाक था। मिशन कंट्रोल को एहसास हुआ कि क्रू की जान खतरे में। शुरुआती झटका लगने के कुछ पल बाद हेग ने ऐसी चीज महसूस की जो उन्हें महसूस नहीं होनी चाहिए थी। अचानक वो हवा में तैरने लगे। हवा में तैरने का ये पल अंतरिक्ष में पहुंचने से बहुत पहले आया था। अगर आप हवा में हैं तो तुरंत पता चल जाएगा कि इंजन बंद हो चुका है। किसी अनजान वजह से रॉकेट के इंजन बंद हो गए थे और अब रॉकेट वापस धरती की ओर गिर रहा था। पर एक मैसेज आ रहा था, बूस्टर प्रॉब्लम, उनके इंटरकॉम सिस्टम के जरिए कुछ गड़बड़ हो गई थी, बहुत बड़ी गड़बड़। बंद पड़ा सोयूज रॉकेट करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई से तेज रफ्तार से जमीन की ओर गिर रहा था। अब हेग और ओविचिनेन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। तभी दो बातें उसमें समझ में आईं। पहली, मैं अंतरिक्ष में नहीं जा रहा हूं, और दूसरी, शायद मैं इस हादसे में जिंदा न बच पाऊं। बंद पड़े सोयूज में 10,000 गैलन से ज्यादा केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन है। कैप्सूल में बैठे हुए दो लोग इस वक्त ऐसी चीज में फंसे हैं जो एक खतरनाक बम का रूप ले चुकी है। रॉकेट फट सकता था, आग लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। हेग और ऑवचिनिन को जलकर खाक होने से बचाने के लिए बस कुछ माइक्रोसेकंड्स बचे हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि एस्केप सिस्टम काम करेगा, हमारे कॉस्मोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स की जान बच जाए। एक एटॉमिक धमाके ने एक कैप्सूल को खराब रॉकेट से अलग कर दिया। कैप्सूल में बैठे लोगों की जान को अभी भी खतरा है, अभी भी हालात उनके काबू में नहीं है। पैराशूट्स खुलने चाहिए, वो लैंड होने से पहले रेट्रो रॉकेट फायर होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज ढंग से नहीं हुई तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट निक हेग रशियन सोयूज रॉकेट में बैठकर अपने पहले अंतरिक्ष सफर पर निकले हैं। इंजन फेलियर से रॉकेट बंद पड़ चुका है और अब हेग और उनका कॉस्मोनॉट साथी एस्केप कैप्सूल में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब उन्हें तेजी से वायुमंडल में घुसने का झटका सहना होगा। इस तरह की एंट्री से आप और तेजी से गिरते हैं और छोटा रास्ता अपनाते हैं। ये आखिरी पल पर एंट्री करने जैसा है, जैसे आप एक तोप के गोले की तरह वायुमंडल में लौट रहे हों। इतनी तेजी से गिरने का दोनों पर गहरा असर पड़ सकता है। वो दोनों ग्रेविटी के 7 गुना बल का सामना करने जा रहे हैं। 7G पर सांस लेना भी मुश्किल है, हाथ ऊपर उठाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। उन्हें इस तरह के बल से लड़ना होगा, वो भी तब जब वो कैप्सूल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये देखना है कि कैप्सूल सही दिशा में रहे, ये हिलनी नहीं चाहिए, ये लुढ़कने नहीं चाहिए, वरना पैराशूट ठीक से नहीं खुलेंगे। और कोई सुरक्षा उपाय नहीं बचा था, वो दोनों तेजी से नीचे आएंगे और धरती से टकराकर जलकर खाक हो जाएंगे। कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमरोव 23 अप्रैल 1967 को इसी तरह लैंड हुए थे। वो सोयूज 1 पर सवार थे। उस मिशन में कॉस्मोनॉट के अंतरिक्ष से लौटते वक्त पैराशूट्स ओपन ही नहीं हुए, वो पूरी रफ्तार से जमीन पर आ टकराया। टकराते वक्त फोर्स इतना ज्यादा था कि सोयूज कैप्सूल की ऊंचाई पिचक कर सिर्फ 27 इंच रह गई। इस वजह से कैप्सूल के नीचे लगे सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स फट गए और अपने पीछे पिघले हुए अवशेष छोड़ गए। उसके शरीर का जो सबसे बड़ा टुकड़ा मिला वो टखने की हड्डी थी। हेग और ओविचिनिन ऐसी खौफनाक मौत से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं कि झटके से उनके पैराशूट डैमेज हो गए हैं। अब वो सिर्फ लैंडिंग का इंतजार और उम्मीद कर सकते हैं। मिशन कंट्रोल बेबस होकर देख रहा है और नीचे आ रहा कैप्सूल एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गया है।
और इस पॉइंट पर कैप्सूल होराइजन के पार चला गया और अब वो नजरों से ओझल होने लगा। वो नहीं जानते कैप्सूल कहाँ है और वो ये भी नहीं जानते कि क्रू का क्या हुआ। अगर क्रू अब तक सेफ है, स्पेसशिप बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और काम नहीं कर रहा, तो क्रू नहीं बच पाएगा। हेग और ओविचिनिन की परीक्षा की घड़ी आ गई है। तभी बड़ा धमाका हुआ और पैराशूट खुल गया और स्पेसशिप यहाँ वहाँ लुढ़कता है। आप पहले से गर्मी से परेशान हैं और अब आपका सिर चकराने लगता है। पैराशूट ने गिरने की गति को कम तो कर दिया है, लेकिन क्रू अब भी सुरक्षित तरीके से नीचे नहीं उतरा। सबसे बढ़िया कंडीशंस में भी ये लैंडिंग एक नियंत्रित क्रैश है। क्या वो फिर से कजाकिस्तान में उतरने वाले हैं या फिर वो किसी ऐसी जगह उतरेंगे जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है? टेक ऑफ के 19 मिनट और 49 सेकंड के बाद MS-10 जमीन से आकर टकराया, अपने लॉन्च साइट से करीब 400 किलोमीटर दूर। हेग और ओविचिनिन किस हालत में है कोई नहीं जानता। ये लैंडिंग भले ही जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी, लेकिन दोनों अंतरिक्ष यात्री एक भयानक मौत से बच गए। कैप्सूल पैराशूट के जरिए उतर रहा था और आखिरी पल में रेट्रो रॉकेट शुरू हुए और लैंडिंग को कुशन मिला। कैप्सूल रेत में फिसलता गया और एक तरफ लुढ़ककर रुक गई। दोनों एस्ट्रोनॉट जख्मी हैं, लेकिन उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हेग ने बाहर देखा तो उसे रेत दिखी उसकी खिड़की के 1 फीट नीचे। अब आजादी बेहद करीब थी, लेकिन हेग को एक और घंटा कैप्सूल में इंतजार करना पड़ा जब तक रेस्क्यू टीम्स ने आकर उन्हें कैप्सूल से बाहर नहीं निकाला। हेग उस दिन अंतरिक्ष में जाने वाला था, लेकिन उसके बजाय वो अभी भी जमीन पर था, चैन की सांस ले रहा था। और फाइनली जब मैंने अपनी वाइफ को हग किया तो वो ऐसी फीलिंग थी जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। तब जाकर मुझे लगा कि हाँ, अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। रशियंस ऐसे मामलों में अक्सर कहते हैं कि हमारे लॉन्च एस्केप सिस्टम का जो टेस्ट है वो कामयाब हो गया। नवंबर 2018, रशियन जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसमें लिखा था कि इस लॉन्च फेलियर की वजह एक सेंसर था जो रहस्यमय तरीके से खराब हो गया जब रॉकेट लॉन्च पैड पर खड़ा था। सेंसर पहले से खराब था या असेंबल करते वक्त गड़बड़ हुई या किसी ने खराब किया? अंतरिक्ष दुर्घटनाओं में घातपात की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। हर रॉकेट लॉन्च अज्ञात की ओर ले जाने वाला एक सफर होता है जहां कई अनजान खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सब जानते हैं कि हमारा काम बहुत मुश्किल है और इसमें जान का भी जोखिम है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें ये जोखिम उठाना पड़ेगा। जब भी इंसान कुछ नया एक्सप्लोर करता है तो उसमें सबकी भलाई होती है और इसलिए हमें इस तरह के कदम उठाते रहना चाहिए। सितंबर 1992, नासा के अंतरिक्ष यात्री जेन डेविस और मार्क ली स्पेस शटल एंडेवर में सवार थे। वो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला शादीशुदा जोड़ा था। हाँ, टैब्लॉइड ने ये खबर छापी थी। वो जानना चाहते थे ये दोनों अंतरिक्ष में थे तब क्या हुआ। मेरे ख्याल से एक शादीशुदा कपल अगर अंतरिक्ष में एक दूसरे के साथ अकेले हो तो क्यों ना 200-250 मील की ऊंचाई पर थोड़े मजे करें। एक एलियन फिल्म की ही तरह अगर डेविस वाकई प्रेग्नेंट होती है तो हो सकता है उनके पेट में ऐसा डरावना बच्चा हो जो इंसानों जैसा बिल्कुल ना दिखता हो। जैसे जैसे अंतरिक्ष में बच्चा कोख में बड़ा होगा उसके शरीर में कई म्यूटेशन और बदलाव होते जाएंगे। अंतरिक्ष में पैदा हुआ म्यूटेंट मॉन्स्टर, ये एक डरावना सपना लगता है, लेकिन ये सपना सच हो सकता है। आगे चलकर भविष्य में ऐसे बच्चे जरूर पैदा होंगे, उनका विकास होगा और वो जन्म लेंगे, वो भी पृथ्वी से बहुत दूर, ऐसे यकीनन होगा। सवाल ये नहीं कि ऐसा होगा या नहीं, बल्कि कब होगा। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में मानव जाति को दूसरे ग्रहों पर जाकर बसना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पृथ्वी से दूर बच्चों को जन्म देना शुरू करना होगा। अगर हम अंतरिक्ष की खोज पर निकलना चाहते हैं तो हमें पहले स्पेस में बच्चे पैदा करने की समस्या का हल निकालना होगा। कई लोग पूछते हैं कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों ने पहले कभी मानवता के लिए ऐसी कोशिश की है। स्पेस शटल एक बहुत छोटा वाहन है और इसमें किसी तरह की प्राइवेसी नहीं मिलती। एक शटल में 6 लोग होना विनेबेगो के कैंप में 6 लोग रहने के बराबर है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी भी शटल से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। वाकई ISS पर ऑनबोर्ड प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। ऑफिशियल्स के मुताबिक अंतरिक्ष में किसी ने सेक्स नहीं किया है, लेकिन इस बात को इतनी बार दोहराया गया है कि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ये वाकई सच है। बिना रुकावट की सितारों के बीच एक दूसरे के करीब आना इतना आसान नहीं है। पानी के बिस्तर पर सेक्स करना कितना मुश्किल है, तो खुद सोचिए बिना गुरुत्व बल के वातावरण में कितना मुश्किल होगा।
अंतरिक्ष में सेक्स करना शायद मजे से ज्यादा मुश्किल अनुभव होगा। पहली रुकावट है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर क्रिया के प्रति एक समान और विपरीत क्रिया होती है। इसका मतलब शून्य ग्रेविटी में दो शरीर जबरदस्ती एक दूसरे के करीब आएंगे तो उतने ही बल से वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। हमें दो लोगों को एक दूसरे के साथ रखने का तरीका ढूंढना होगा। लोग समस्या का हल निकालते हैं। अगर आप उन्हें सही परिस्थिति में पर्याप्त समय के लिए रखें तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट को पता चला है कि अंतरिक्ष की परिस्थितियों का बढ़ते गर्भ पर बहुत बुरा असर हो सकता है। नासा एक्चुअली अलग अलग तरह के जानवरों पर प्रयोग कर रही है, जैसे कि पंछी और छिपकलियों पर, चूहों पर भी, ये देखने के लिए कि अंतरिक्ष में गर्भ का विकास कैसे होता है। लेकिन नतीजा हौसला बढ़ाने लायक नहीं है। अगर आप विकसित होते टैडपोल को देखें, तो इसके मूल आकार की बजाय उसका सिर पूंछ को छूता है और वो सिर्फ गोल गोल तैर सकता है। ये बदलाव कायम स्वरूपी है और ये जानवर बच नहीं पाएगा। नासा ने माइक्रोग्रेविटी में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों को विकसित करने की जितनी कोशिशें की हैं, उनका नतीजा सिर्फ एक ही हुआ है, म्यूटेशंस। हर तरह की मुश्किलें हैं। रीढ़ की हड्डियों की विकृति के अलावा हड्डियों का बंद ना होना, इसलिए अंतरिक्ष में इंसानी बच्चे पैदा करना शायद सही नहीं होगा। लेकिन कितना भी जोखिम क्यों ना हो, इंसान अंतरिक्ष में प्रजनन किए बिना अंतरिक्ष की खोज नहीं कर सकते। पहले स्टार बच्चे का जन्म जल्द ही होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में पहला बच्चा जन्म लेगा, वो पल कैसा होगा? ये एक यादगार पल होगा और हम नहीं जानते कि इसके नतीजे कैसे हो सकते हैं। हमें अंतरिक्ष में बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। क्या ये जानते हुए हम इस बारे में बिल्कुल अनजान हैं? बायोलॉजी के मुताबिक ये स्टार बच्चे अपने पृथ्वी के पूर्वजों से बिल्कुल अलग होंगे। हम ऐसी प्रजाति के रूप में विकसित हुए हैं जो धरती की ओर खींची जाती है, और जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो आपको नीचे खींचने वाला वो बल नहीं होता और इसका शरीर के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर हम अलग ग्रेविटी में विकसित हुए तो हमारे शरीर का आकार बिल्कुल अलग होगा। शायद हमारी सारी उंगलियां किसी चमड़े की तरह विकसित होंगी जो फैल कर, छू कर या पकड़ कर हिल सकते हैं। हमें चलने लायक कदम की जरूरत नहीं, हमें ऐसे मसल्स की जरूरत नहीं जो ग्रेविटी के खिलाफ काम करते हैं। इन बच्चों का शरीर खिंचा हुआ हो सकता है, उनकी हड्डियाँ शायद बहुत कमजोर होंगी। उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम को खून पहुँचाने के लिए हमारी जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि आंखें भी अलग होंगे, अलग तरह की रोशनी और अंतरिक्ष के रेडिएशन की मार सहने लायक। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे बच्चे अंतरिक्ष में कदम रखेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें सुदूर भविष्य में मिलते हैं तो वो देखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं होंगे। बदकिस्मती से अंतरिक्ष के मानवों का विकास उन्हें शारीरिक रूप से पृथ्वी पर लौटने के लिए असमर्थ बना सकता है। वो अपनी ही दुनिया के लिए बिल्कुल अजनबी होंगे। अगर वो भविष्य में पृथ्वी के सामान्य वातावरण में वापस लौटते हैं तो उन्हें दिल की बीमारियां होंगी, उनकी हड्डियां बेहद कमजोर होंगी। ये स्टार बच्चे इतने बदल जाएंगे कि ये वाकई पृथ्वी के निर्वासित हो जाएंगे। उन्हें गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का पर्यावरण बिल्कुल रास नहीं आएगा। हमारे अंतरिक्ष के बच्चे पृथ्वी की खूबसूरती दूर से देखेंगे और अपनी अजीब बनावट की वजह से उन्हें अपना घर कहीं और बनाना होगा। पहले स्टार बच्चे की किस्मत में दुख और अकेलापन लिखा हो सकता है,